हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह आप लोगों का 15 से 21 जून 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में एक बार फिर से वेलकम करती हूं। तो आज हम करेंगे वीकली करंट अफेयर, जिसमें हम जून के थर्ड वीक की बात करेंगे, 15 to 21 जून। इसके अलावा जो सीरीज़ मेरे चैनल पे चलाई जा रही है जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो व्यूवर्स नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और भी बहुत सी वीडियोज़ मेरे चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर करिए। तो देखते हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। आज है 15 जून, तो 7 जून को जो मनाया जाता है वो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट डे है वो है 12 जून को, जो कि बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये बाकी तीनों जो डेज हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप छोड़ भी सकते हैं, इसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है, और इसी तरह 15 जून को मनाया जाता है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। तो ये सारा आप लोग एक बार रिवाइज कर लें। जून का जो तीसरा रविवार होता है ये होता है 21 जून को जो आएगा, उसमें वर्ल्ड फादर्स डे मनाया जाएगा। नेक्स्ट आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो ये है फीफा में शीर्ष पर नॉर्मली बेल्जियम ही होता है, तो बेल्जियम है। कोरोना महामारी के कारण विश्व फीफा जो विश्व कप है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य प्रमुख खेलों के लिए क्वालिफायर टूर्नामेंट स्थगित कर दिए गए हैं, और बेल्जियम जो है वो काफ़ी दिनों से स्कोर दिए हुए हैं, इतना कि बेल्जियम 1765 स्कोर है। इसी तरह भारत का स्कोर 1187 है, और ब्राज़ील फर्स्ट नंबर पे है, और जो भारत है वो इस समय 108 नंबर पे चल रहा है फीफा की रैंकिंग में। सेकंड पे फ्रांस है और थर्ड पे ब्राज़ील है, फर्स्ट पे बेल्जियम है। यहाँ पे फीफा की फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा की फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को, अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो, और मुख्यालय इसका ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। हम बेल्जियम की बात करें जो कि फीफा रैंकिंग में नंबर 1 पे है, उसकी राजधानी है ब्रसेल्स, और उसकी जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं सोफी विलमेंस, और उसकी मुद्रा है करेंसी यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये कार्यक्रम किया है हैदराबाद पुलिस ने। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो महिलाओं के हक, अधिकार और कानून सहायता प्रणाली के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं की सुरक्षा, समानता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क स्थापित किया गया है। तो हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है, इसके मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, और राज्यपाल है तिमिसिलाई सौदर राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में यूरोपीय कप विजेता टोनी ड्यून का निधन हो गया, किस देश के थे? तो टोनी ड्यून थे आयरलैंड के, ये आयरलैंड के थे, और टोनी ड्यून एक फुटबॉल खिलाड़ी थे, और आयरलैंड जो है वो यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। तो आयरलैंड के बारे में देख लेते हैं, तो इसकी राजधानी है डबलिन, इसकी करेंसी है यूरो, राष्ट्रपति इसके माइकल डी हिंगल्स है, और प्रधानमंत्री इनके हैं लियो वार्डकर। तो ये आप इम्पॉर्टेंट अलग से जो फैक्ट्स हैं वो याद रख सकते हैं इसको एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य बन गया है उड़ीसा, उड़ीसा पहला राज्य बन गया है। इसकी राजधानी जो की बात करें तो भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के जो नेशनल पार्क हैं वो है भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क। इन बांध की बात करें तो इंद्रावती बांध है इंद्रावती नदी पर, हीराकुंड बांध है महानदी पर, और GI टैग में उड़ीसा फेमस है कोणार्क पत्थर नक्काशी के लिए, पट्टाचित्र के लिए, और गंजम केवड़ा फूल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अमेरिकी महिला ने पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है कैथी सुलेवान ने। कैथी सुलेवान समुद्र की सतह से लगभग 7 मील नीचे चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला भी हैं, वे अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिका महिला भी बनी थी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाती है ये आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स के लिए, याद रखेंगे कैथी सुलेवान का नाम। इनमें से किस भाषा के प्रसिद्ध शायर थे आनंद मोहन
जुत्थी उर्फ गुलजार दहलवी ने कहा जाता है। इनका 93 इयर्स की उम्र में निधन हो गया। तो ये थे उर्दू भाषा के कवि। और गुलजार दहलवी यानी पंडित आनंद मोहन जुत्थी शायरी में हमेशा गंगा जमुनी तहजीब की यहाँ पे झलक उनकी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए समर ऑफर लॉन्च किया है? तो ये किया है HDFC बैंक ने, जिसके तहत डिस्काउंट, नो कॉस्ट EMI, नो डाउन पेमेंट, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट समेत कई ऑफर जो है वो ग्राहकों को मिलेंगे, प्रदान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग अमेरिकी मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली कौन सी सिख बन गई हैं? तो ये पहली सिख बन चुकी हैं अनमोल नारंग। अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी से न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में 4 वर्ष की डिग्री यहाँ पूरी की है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलीवुड की किस एकेडमी ने ऑस्कर नॉमिनेशन में डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए नए पात्रता नियमों को लागू करने की घोषणा की है? तो ये है यहाँ पर मोशन पिक्चर एकेडमी। मोशन पिक्चर एकेडमी ने हाल ही में ऑस्कर नॉमिनेशन में डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए नए पात्रता नियम लागू करने की घोषणा की है, जिसके तहत बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में नॉमिनेशन की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 से 5 तक की कक्षा के लिए बच्चों की ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है कि बच्चों पर ज़्यादा बोझ ना पड़े? तो ये किया है कर्नाटक की राज्य सरकार ने। सरकार ने साथ ही घोषणा की है कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है? तो ये हमारे दिए हैं मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने ये दर्जा हाल में चल रहे कोरोना संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है लालजी टंडन। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यहाँ बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, जीवाश्म नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं। और बांध की बात करें तो बाणसागर बांध सोन नदी पे, भीमगढ़ बांध वैनगंगा नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर, ओमकारेश्वर बांध भी नर्मदा नदी पर ही यहाँ पाया जाता है। तो ये फैक्ट्स आपके GS पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। GI टैग की बात करते हैं तो यहाँ चंदेरी कपड़ा, इंदौर के चमड़े के खिलौने और रतलामी सेब यहाँ के GI टैग हैं। GI का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल इंडिकेशन। हाल ही में राज्य भर में ग्रीन मिजोरम दिवस किस दिन मनाया गया? किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 11 जून को। 11 जून को मतलब जून के पहले या दूसरे सप्ताह में राज्य भर में ग्रीन मिजोरम दिवस मनाया जाता है। 2020 को ये 11 जून को मनाया गया। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है? तो ये किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने पर्यावरण मंत्रालय का यहाँ नाम चेंज कर दिया और उसका नाम कर दिया है पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ की राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सहकार मित्र योजना का शुभारम्भ किया है? तो ये किया है हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री, कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की विशेष पहल सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत चयनित लड़कों और लड़कियों को क्रमशः 1,000 रुपये और 1,200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश की डिटेल देख लेते हैं तो इसकी राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री इनके योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल यहाँ की हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले पहले हाई प्रोफाइल क्रिकेटर कौन हैं? तो ये बन गए हैं शाहिद अफरीदी।
पाकिस्तान के ऑलराउंडर है शाहिद अफरीदी, तौकीर उमर और जफर सरफराज के बाद नोवेल वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। ये तीसरे पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MHRD के द्वारा जारी मेडिकल इंजीनियरिंग संस्थानों और यूनिवर्सिटी की जारी रैंकिंग में SVNIT को कौन सा स्थान मिला है? तो इन्हें मिला है 54th स्थान। MHRD की फुल फॉर्म होगी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसके द्वारा जारी मेडिकल इंजीनियरिंग संस्थानों और यूनिवर्सिटी की जारी रैंकिंग में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को 54th स्थान मिला है, जबकि पिछले वर्ष ये संस्थान 58th पोजीशन पे था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को किस वर्ष की उम्र में हाल ही में मुंबई में बांद्रा में फांसी लगा के सुसाइड कर लिया है? तो उनकी एज थी इस समय 34 ईयर्स। और 8 जून को उनकी मैनेजर दिशा सालियान ने भी बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली थी और इस पर पूरे देश ने शोक व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के स्वास्थ्य मंत्री जेमी मनालिच ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर इस्तीफा दे दिया है? तो ये है हमारे चिली की स्वास्थ्य मंत्री। दक्षिण अमेरिका का देश है चिली। इन्होंने इसमें कोरोना वायरस के 1.67 लाख मामले सामने आए हैं, वहीं 3101 लोगों की मौत भी यहाँ हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान रेलवे ने अपने जीरो पॉइंट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इन्होंने रखा है मारवी रेलवे स्टेशन। इन्होंने जीरो पॉइंट रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है और नाम बदलने के इस फैसले को सुरक्षा एजेंसियां भी नहीं समझ पा रही हैं। उमर मारवी की प्रेम कथा पर पाकिस्तानी फिल्म 12 मार्च 1956 को भी रिलीज हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू करवा दी है? तो ये की है बांग्लादेश की सरकार ने। बांग्लादेश ने ऑनलाइन उपलब्धता प्लाज्मा की शुरू करवाई है और बांग्लादेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 71,000 को पार कर चुकी है, जिनमें 975 लोगों की मौत हो चुकी है। हाल ही में किस राज्य ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है पंजाब की राज्य सरकार ने। पंजाब की राज्य सरकार ने COVID-19 के सामुदायिक प्रचार की जांच करने के लिए घर घर निगरानी मोबाइल ऐप की एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अब पंजाब की बात कर लेते हैं तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़, इसके मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल इसके हैं बीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हाल ही में बसंत राय जी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे क्रिकेट से संबंधित थे। तो देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, ये भारत के सबसे वृद्ध प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे बसंत राय जी, जो कि 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ और मुंबई में जौली क्रिकेट क्लब के संस्थापक सदस्य भी यही थे। तो ये आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर फ्लड वार्निंग सिस्टम आईफ्लोज लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मुंबई में। फ्लड वार्निंग सिस्टम को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर लॉन्च किया। अब महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ की राजधानी है मुंबई, इसके मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और इसके राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हाल ही में किस देश से 100 उच्च प्रौद्योगिकी वेंटिलेटर भारत में लाए जाएंगे? तो ये लाए जाएंगे अमेरिका से। COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका से अनुदान के रूप में पहली खेप लगभग भारत में 100 उच्च प्रौद्योगिकी वेंटिलेटर भारत में लाए जाएंगे। अब अमेरिका की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल है Washington DC, इसका जो मुद्रा है इसकी करेंसी है अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति यहाँ के हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो ये इसकी थीम है सेफ ब्लड सेफ लाइफ। ब्लड अगर सेफ रहेगा तो सबकी लाइफ भी सेफ रहेगी। ये 14 जून को विश्व भर में मनाया गया विश्व मतदाता दिवस और इसकी थीम थी सेफ ब्लड सेफ लाइफ। मदर डेयरी की शाखा सफल, जो मदर डेयरी ये शाखा है, इसने ताजे फल और सब्जी की होम डिलीवरी के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसने की है जोमैटो के साथ साझेदारी।
दिल्ली एनसीआर के कुछ चुने हुए स्थानों पर उपभोक्ताओं को ताजे फल और सब्जियों की होम डिलीवरी उपलब्ध कराने के लिए सफल ने जोमेटो के साथ साझेदारी की है। इसके पहले चरण में दिल्ली एनसीआर के कुछ चुनिंदा स्थानों में 11 बूथों से डिलीवरी शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति अपडेट प्रदान करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है आरोग्य पथ की। ये विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों को सहायता देगा, जिसका उद्देश्य वर्तमान और नवीनतम लॉन्च के बारे में जागरूकता फैलाना भी होगा यहाँ पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध में शामिल 5 भारतीय क्रिकेटर को किसने नोटिस जारी किया है? तो ये नोटिस नाडा ने जारी किया है। इसमें 5 जो भारतीय क्रिकेटर हैं वो है केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा। इनको अपने स्थान, अपने रहने के स्थान के बारे में जानकारी देने में असफल रहने पर यहाँ नाडा ने नोटिस जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेक के मुताबिक भारत के किस राज्य की महानदी में 500 वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? तो महानदी जिस राज्य में बहेगी वहीं पे ये मंदिर होगा, तो ये है उड़ीसा राज्य, उड़ीसा राज्य में मिला है ये मंदिर। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, जिसे इंटेक कहा जाता है, तो ये आप फुल फॉर्म याद रखेंगे इसकी, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर के मुताबिक भारत के उड़ीसा राज्य की महानदी 500 वर्ष पुरानी 60 फीट डूबा हुआ मंदिर मिला है और हाल ही में परियोजना के तहत इसका पता लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये किया है कैथी ल्यूडस को, और ये पहली महिला है इनको फ्लाइट का प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और ये जो है कैथी, ये 1992 से नासा से अटैच है, नासा से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 साल की एथलीट हिमा दास को असम सरकार ने खेल मंत्रालय की सिफारिश से किस पुरस्कार के लिए नामित किया है? ध्यान रखिएगा, अभी नामित किया है, मिला किसी को नहीं है, तो ये है खेल रत्न पुरस्कार। चलिए आगे बात करते हैं, इस पुरस्कार के लिए इस बार रोहित शर्मा जो क्रिकेटर है, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के हैं, विनेश फोगाट रेसलिंग की है, और मनिका बत्रा टेबल टेनिस, और रानी रामपाल को भी इसके लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोवाक जोकोविच द्वारा कमाए गए चैरिटी टूर्नामेंट एड्रिया टूर के पहले लेग किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है हमारे डोमिनिक थियम ने। तो कोरोना वायरस के बीच सर्बिया के नोवाक जोकोविच के द्वारा कराए गए चैरिटी टूर्नामेंट एड्रिया टूर का पहला लेग वर्ल्ड नंबर 3 डोमिनिक थियम ने फिलिप क्राजिनोविक को 4-3, 2-4, 4-2 से हराकर यहां पर जीत लिया। हाल ही में किसने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ, जो कि कल के क्वेश्चन में हमने देखा था ये क्वेश्चन, लॉन्च किया है? तो ये किया है हमारे CSIR ने। CSI इसका उद्देश्य होता है वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करना, और आरोग्य पथ निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों की मदद ये करेगा। CSI की फुल फॉर्म होगी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1942 को और इसके डायरेक्टर जनरल हैं शेखर श्री मंडे, तो आप लोग ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन मशीन विकसित की है? तो ये की है डीआरडीओ ने विकसित की है। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस में सैनिटाइजर चैम्बर यहाँ पे स्थापित किया गया और इस कक्ष को 15 मिनट के भीतर 25 जोड़ी वर्दी को स्वच्छ करने के लिए डिजाइन किया गया है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म की बात करें तो ये है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये है जी सतीश रेड्डी, तो ये आप याद रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मछली की नई प्रजाति मिली है? तो ये मिली है अरुणाचल प्रदेश राज्य में।
इसका जो नाम है वो लिखा है, रखा गया है सीजोथेरेक्स सिकुसी रूमेंसिस, ये नाम इसका रखा गया है। और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और इसके राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने साल का सेवा विस्तार दिया गया है? तो के वेणुगोपाल हमारे अटॉर्नी जनरल है, ये आप याद रखेंगे, और उनके एक साल का और सेवा विस्तार दे दिया गया है। इन्होंने 30 जून 1917 को मुकुल रोहतगी के स्थान पर इसे नियुक्त किया गया था। और आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में शामिल हुआ है? तो ये देश हुआ है भारत। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में बतौर संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में स्वच्छता केंद्र का निर्माण कराने के लिए भारत ने कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो भारत ने की है 2.33 करोड़ रुपए देने की घोषणा। और इस परियोजना का जो निर्माण हो रहा है वो हो रहा है नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत, तो ये आप याद रखेंगे इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने दावों का जल्दी निपटान करने के उद्देश्य से मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा की शुरुआत की है? तो ये की है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने, मतलब कि ईपीएफओ ने। इसमें इन्होंने ईपीएफओ ने किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से किसी भी तरह के दावों का निपटान इसके द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर कब चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है? तो ये होगा 6 जुलाई को। बिहार में 6 जुलाई को चुनाव कराए जाएंगे जो कि 9 सीटों के लिए होंगे, और इसके लिए 18 जून 2020 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन 25 जून निर्धारित किया, मतलब कि आज नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा के द्वारा जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के टीम कौन से स्थान पे है? तो ये है हमारी 108, मतलब कि 108 स्थान पे। फीफा ने रैंकिंग जारी की है, भारतीय फुटबॉल टीम 108 स्थान पे है और इनकी जो अंक है वो है 1187 अंक के साथ। फ्रांस पहले स्थान पे है, ब्राज़ील दूसरे स्थान पे, उरुग्वे यहाँ तीसरे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ ने किस पद से इस्तीफा दे दिया? तो इनमें से किसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? तो वो है केविन रॉबर्ट्स। केविन रॉबर्ट्स हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव, मतलब कि सीईओ, और उन्हें अपने कार्यकाल में आर्थिक तंगी के कारण 80% कर्मचारियों को काम से भी निकाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कोरोना वायरस में इस्तेमाल की जाने वाली 2 एंटी मलेरिया दवा के इमरजेंसी यूज को वापस ले लिया है? तो ये लिया है अमेरिका ने, जिसके बाद अमेरिकी सरकार द्वारा कोरोना का इलाज के करने के दावों पर भी पानी फिर गया है। जो ये बार बार कहते थे कि हमने दवाई ढूंढ लिया, तो ये भी इनका जो दावा है वो खारिज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने इनमें से किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो वो की है बांग्लादेश में। यहाँ पर भारत पाठ्यक्रम शुरू करेगा महामारी से कैसे निपटा जाता है उससे, और 14 जून से 26 जून तक चलने वाले इस पाठ्यक्रम का जो सॉरी 18 जून से 26 जून तक चलने वाले इस पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य होगा वो बांग्लादेश में महामारी से निपटने की क्षमता को बढ़ाना होगा। हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम रोजगार योजना, इसका जो मनरेगा का फुल फॉर्म है ये, इसके तहत सबसे ज़्यादा श्रमिकों को इसने रोजगार दिया है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है लखनऊ, इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और इसकी राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य ने कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है तमिलनाडु राज्य पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने।
तो पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में वापस लौटे आईटी पेशेवर के लिए नौकरी पोर्टल कर्मभूमि लॉन्च किया है। कर्मभूमि का उपयोग करके आईटी पेशेवर राज्य में स्थित कंपनियों से जुड़ने में सक्षम हो पाएंगे। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो उसकी राजधानी है कलकत्ता, मुख्यमंत्री इनकी ममता बनर्जी और राज्यपाल है जगदीश धनखड़। नेशनल पार्क्स की देखें कि कोलकाता में कौन कौन से हैं, सुंदरबन नेशनल पार्क है, बक्सा नेशनल पार्क है और नीरा वैली नेशनल पार्क, ये सब पश्चिम बंगाल में मिलते हैं। चलिए आगे। हाल ही में अमेरिकी सैन्य एकेडमी से स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं अनमोल नारंग। वह लगभग 1100 कैडर में से हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक से के साथ स्नातक किया है। अमेरिका को यूएसए भी कहते हैं। इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, अमेरिकी डॉलर इसकी करेंसी है और डोनाल्ड ट्रंप इसके राष्ट्रपति हैं। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी उसका नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी जो कि इसकी कैपिटल है उसमें पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में संतोष झा को किस देश ने भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है बेल्जियम देश के लिए। संतोष झा वर्तमान में उज्बेकिस्तान गणराज्य के राजदूत हैं, लेकिन इस समय अब वो बन चुके हैं बेल्जियम के राजदूत। बेल्जियम की कैपिटल की बात करें तो ये ब्रुसेल्स है, मुद्रा यहाँ की यूरो है, प्रधानमंत्री सोफी विलमेस है और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पांगोंग झील के पास किस देश के सैनिकों के साथ झड़प में लगभग 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं और इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना आजकल न्यूज़ में चल रही है, तो वो है चीन देश के। भारत और चीन के बीच कम से कम 45 वर्षों में ये पहला घातक संघर्ष माना जा रहा है। तो हम चीन की अगर हम बात करें तो चीन की कैपिटल जो बीजिंग है, मुद्रा यहाँ की चीनी युआन है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और राष्ट्रीय खेल यहाँ का टेबल टेनिस है। चलिए, अमेरिका के हॉकिंसन शहर में किस भगवान की 25 फीट लंबी प्रतिमा को स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है हमारे प्रिय बजरंग बली मतलब कि हनुमान जी की प्रतिमा को। ये जो प्रतिमा है ये 3000 किलोग्राम की प्रतिमा है और 25 फीट लंबी ये प्रतिमा है। और प्रतिमा को भारत में बनाया गया और शिप के जरिए से अमेरिका भेजा गया था, जिसके लिए $1,00,000 के आसपास की लागत भी आई थी। तो ये आगे वाला आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत इस समय स्थान पे है 43वें। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड द्वारा जारी IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 में भारत 43 पोजीशन पे है, जबकि अमेरिका 7 स्थान नीचे फिसल के 10th पे आ चुका है। इस रैंकिंग में अगर हम फर्स्ट की बात करें तो वहाँ है सिंगापुर, स्टैंड करता है फर्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 के द्वारा जारी टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट कितनी भारतीय स्टार्टअप कंपनियों को स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है 2 कंपनियों को। यहाँ पे 2 कंपनियों में एक का नाम है स्टेल एप्स और दूसरा नाम है जस्ट मनी। इस लिस्ट में पहले से ही गूगल, एयरबीएनबी, किक स्टार, मोजिला, स्पॉटिफाई, ट्विटर और विकीमीडिया पहले से ही इसमें शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान के अंतर्गत देश में पहली रोग निदान प्रयोगशाला तैयार की है? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो ये है आयुष्मान भारत अभियान के तहत, सॉरी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। इसमें इसके अंतर्गत देश में पहली रोग निदान प्रयोगशाला बन रही है जो कि मुश्किल समय में आत्मकुशल होने के विचार को बढ़ावा और समर्थन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस ने 93वें अकेडमी पुरस्कार जिसको ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है 2021 को कितने महीने के लिए स्थगित कर दिया है? तो ये किया है 2 महीने के लिए स्थगित। इसको कोरोना वायरस की वजह से 2 महीने के लिए स्थगित किया है, मतलब कि 25 अप्रैल 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है। और इस अवार्ड की जो जारी होने की तारीख थी वो 28 फरवरी थी, मतलब कि अब फरवरी से हटा के उसे अप्रैल माह में कर दिया है ऑस्कर अवार्ड देने की डेट।
नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विलास बैंक ने किसके साथ विलय के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है? तो ये किया है इसने इंडिया बुल्स हाउसिंग के साथ, इसने इसके साथ विलय के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। साथ ही बैंक को एन कैपिटल द्वारा समर्थित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्लिक्स कैपिटल के विलय के लिए भी प्रस्ताव इसको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू क्यूमो ने किस टेनिस टूर्नामेंट को कराने की मंजूरी दी है? तो इन्होंने दी है ग्लेन स्लैम को कराने की मंजूरी। और इस वर्ष यूएस ओपन 24 अगस्त से 13 सितंबर तक होना था, लेकिन यूएस ओपन होने पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि ये होगा या नहीं, बट ग्लेन स्लैम होने वाला है, इसकी मंजूरी मिल चुकी। हाल ही में भारत को हाल ही में कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मतलब कि इसे यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो ये चुना गया है 8वीं बार भारत को। 192 वोटों में से भारत के पक्ष में 184 वोट पड़े हैं, जबकि भारत को अस्थायी सदस्य चुने जाने के लिए केवल 128 वोट ही चाहिए थे, और 8th बार इनको चुना गया है सदस्य, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे ने हाल ही में चीन की स्ट्रिंगलिंग और टेलीकम्युनिकेशन के साथ कितने करोड़ रुपए का करार रद्द कर दिया करने का निर्णय लिया? तो ये निर्णय लिया है 471 करोड़ रुपए का, जिसे वर्ष 2016 में रेलवे ने इसे कॉन्ट्रैक्ट दिया था। बस कुछ समय पहले बीएसएनएल ने भी 4G संसाधनों को अपग्रेड करने के लिए चीन के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करने का यहाँ फैसला किया है, मतलब कि भारत सरकार ने पूरी तरह से चाइना को बाइकॉट यहाँ करने का फैसला कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य की कैबिनेट ने नीट परीक्षा पास करने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों को 10% आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है? तो ये दी है तमिलनाडु कैबिनेट ने। तमिलनाडु कैबिनेट ने कहा है कि ये आरक्षण केवल 10% जो आरक्षण है सरकारी स्कूल के छात्रों पर ही लागू होगा, और जो नगर निगम जो निगमों की नगर पालिकाएं हैं, जनजातीय कल्याण और कल्लार पुनर्वित स्कूल हैं, वन विभाग के स्कूल हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सारे स्कूल इसमें सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यापार इकाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ष 2019 में सबसे अधिक FDI पाने वाला कौन सा देश बन गया है? तो सबसे ज़्यादा FDI पाने वाला भारत 9वां देश बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ष 2019 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका पाने वाला 9वां देश बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सेना के शहीद परिवार को मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो आर्थिक सहायता की राशि बढ़ा के 2 गुना करके 50 लाख रुपए कर दिए गए हैं। ये पहले 25 लाख रुपए थे, और योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक में इसे सर्वसम्मति से मंजूर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट बोर्ड के मैच फिक्सिंग को अपराध मानने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है? तो पहले हुआ था ये श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के लिए, अब फिलहाल में हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसको अपराध मानने के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है, और क्योंकि पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग के बहुत ज़्यादा मामले सामने आए थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है झारखंड में। झारखंड में इसका जो उद्घाटन है वो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया। अगर हम झारखंड की बात करें तो इसकी राजधानी है रांची, इसके मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल है यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू, नेशनल पार्क यहाँ पे हैं बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क और धीमा नेशनल पार्क। चलिए आगे बात करते हैं, हाल ही में कौन सा देश 4थे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 आने वाला है उसकी मेजबानी करेगा? तो ये करेगा बहरीन। बहरीन जो है एशियाई युवा पैरा गेम्स के 4थे संस्करण को दिसंबर 2021 में आयोजित यहाँ पर किए जाने की घोषणा की गई है। बहरीन की अगर हम बात करें तो बहरीन की कैपिटल है मनामा, यहाँ की मुद्रा है बहरीन दिनार, और प्रधानमंत्री हैं खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मारुति सुजुकी ने किस बैंक के साथ मिलकर
फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है। तो ये की है इन्होंने करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर। मारुति बैंक के सहयोग से कंपनी के वैन इको मॉडल को छोड़कर सभी मॉडलों पर 6 महीने के हॉलीडे पीरियड के लिए खरीदारों को कार की ऑन रोड कीमत का 100% लोन मुहैया कराएगी। मारुति सुजुकी की अगर हम बात करते हैं तो इसके सीईओ हैं केनिची आयुकावा और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन डेजर्ट चेज शुरू किया है? तो नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि और डेजर्ट तो राजस्थान राज्य ने ये शुरू किया है। राजस्थान ने ऑपरेशन डेजर्ट चेज एंटी जासूसी ऑपरेशन है ये। और अगर हम राजस्थान राज्य की बात करें तो यहाँ की इसकी कैपिटल है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती। राज्यसभा की लोकसभा में सीटें हैं 25, राज्यसभा में इसकी 10 सीटें हैं और विधानसभा में इसकी 200 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में रज पर्व जिसे राजा पर्व भी कहा जाता है मनाया गया? तो ये मनाया गया उड़ीसा राज्य में। 3 दिनों तक चलने वाला ये रज पर्व बहुत ही अनूठा त्यौहार है जिससे मानसून की शुरुआत और धरती माता की यहाँ विशेष रूप से पूजा की जाती है। उड़ीसा राज्य की अगर हम डिटेल की बात करें तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, इसके मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, गवर्नर है यहाँ के गणेशी लाल, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है सावित्री राठौर जो कि अभी अभी बनी है, इसको भी मैंने न्यूज़ में लास्ट टाइम कवर किया था। उड़ीसा नेशनल पार्क्स की बात करें तो यहाँ भितरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है और यहाँ बांध है इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पे, हीराकुंड बांध महानदी पे और जीआई टैग है यहाँ पे कोणार्क पत्थर की नक्काशी, पट्टाचित्र और गंजम केवड़ा फूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये किया है कर्नाटक राज्य ने। ये कोरोना के प्रचार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मास्क, सैनिटाइजर के उपयोग और साबुन से हाथ धोने और अन्य लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में जागरूकता फैलाएगा। कर्नाटक की अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ इसकी राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं बीएस येदुप्पा, राज्यपाल यहाँ के हैं बजू भाईवाला और नेशनल पार्क है अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, राजीव गांधी जिसे नगरहोल नेशनल पार्क भी बोलते हैं। बांध अगर यहाँ पर देखें तो ये है अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्णा राजा सागर डैम कावेरी नदी पर, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर, वाणी विलास सागर वेदवती नदी पर और सुपा बांध काली नदी पर। जीआई टैग अगर हम देखें तो यहाँ चन्ना पटना खिलौने और गुड़िया, मैसूर सैंडल साबुन और मैसूर जैस्मिन यहाँ के प्रसिद्ध जीआई टैग हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान लॉन्च करेंगे। तो ये कब लॉन्च करेंगे? तो ये लॉन्च करेंगे 20 जून, मतलब कि अब ये कर चुके हैं लॉन्च। और इस अभियान के तहत 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य किए जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विरोध के बावजूद नेपाल के राष्ट्रपति ने नए नक्शे को अपनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो किस राष्ट्रपति ने दी है ये? तो ये दी है हमारे नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी, उन्होंने ये मंजूरी दी है। उनकी मंजूरी के बाद ये नक्शा जो है वो नेपाली संविधान का हिस्सा बनाया जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की वजह से किस शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगा दी है? तो आप लोग को जैसा कि पता होगा भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है वो उड़ीसा के पुरी से निकाली जाती है, तो यहाँ रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा है अगर वो इसके लिए अनुमति देते हैं तो भगवान उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे क्योंकि इस यात्रा के द्वारा कोरोना बहुत ज़्यादा फैला है वो और भी फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने चौथे सबसे बड़े अवार्ड पद्मश्री अवार्ड के लिए किस फुटबॉलर का नाम खेल मंत्रालय को भेजने का फैसला किया है? तो ये इन्होंने किया है IM विजयन का नाम। ये पद्मश्री अवार्ड देने के लिए खेल मंत्रालय ने ये नाम भेजने का फैसला किया है। उन्हें पहले 2003 में अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है और साथ ही वे 3 बार
AIFF प्लेयर्स ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं IM विजयन। तो ये आप याद रखेंगे कि IM विजयन एक बहुत अच्छे फुटबॉलर हैं इंडिया के थे। नेक्स्ट, निम्न में से किस विमेंस टीम की विकेट कीपर बल्लेबाज रेचल प्रिस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है न्यूजीलैंड विमेंस क्रिकेट टीम की। इन्होंने हाल ही में न्यूजीलैंड के सालाना कॉन्ट्रैक्ट में जगह नहीं मिली थी, लेकिन अब भी वे तस्मानिया के लिए क्रिकेट खेलती रहेंगी। बट उन्होंने न्यूजीलैंड विमेंस टीम की विकेट कीपर और बल्लेबाज की पद से इस्तीफा दे दिया, मतलब संन्यास लेने की उन्होंने घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय चैंपियनशिप 2022 के टूर्नामेंट में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 4 नए खेलों को शामिल। इस कमेटी ने, जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है, इसने 4 नए खेलों को शामिल किया है जिसमें स्विमिंग शामिल नहीं है। चैंपियनशिप 2022 में 11 अगस्त से 21 अगस्त तक जर्मनी के म्यूनिख में होगा ये चैंपियनशिप। तो याद रखेंगे 2022 में अगस्त में जर्मनी के म्यूनिख में ये चैंपियनशिप होगी। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जून को। यह दिन जो होता है वो शरणार्थियों को सम्मान दिलाने, उनकी दुर्दशा की तरफ विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। और इसके मनाने की शुरुआत जो हुई थी वो 2001 में हुई थी। हाल ही में किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोटेस्ट शुरू किया है? तो ये किया है फेसबुक ने। फेसबुक की अगर हम बात करें तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया USA में और इसके CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। हाल ही में किस बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021 में 4% तक सिकुड़ने, मतलब कि गिरने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ADB की स्थापना जो हुई है वो 19 दिसंबर 1966 को हुई है। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं मात्सुबु असाकावा। हाल ही में किसने COVID-19 के लिए भारत में पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है? तो ये की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो दिल्ली से सांसद भी हैं। इन्होंने COVID-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब आई लैब लॉन्च की है। मोबाइल लैब का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तकनीकी कमी को दूर करना और निरंतर आत्मनिर्भरता के एक चरण को आगे बढ़ाना है। तो आज ख़त्म होता है करंट अफेयर। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।